हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग स्टफ। एंड आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। तो उसमें हमने देखा था कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो समेशन है लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का। लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने देखा था, वो होता है वी इंटू टी आर, और ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय 2gF+−N, जिसमें वी जो है हमारा वो रहेगा स्पीड, और टी आर रहता है रिएक्शन टाइम, जी रहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एफ रहता है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड एन जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ द रोड। इसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में, दैट वाज अबाउट दी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, हम लोग बहुत ही अच्छी तरह कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाके थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग इस टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरीके से है। हमारा पहला न्यूमेरिकल कहता है दैट वी हैव टू कैलकुलेट दी सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ रोड विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इफ रोड इज टू वे टू लेन रोड, इफ वी हैव टू वे सिंगल लेन रोड, वी हैव टू फाइंड आउट दी सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जब हमारी जो डिजाइन स्पीड ऑफ रोड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि जो व्हीकल्स हैं वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो डिजाइन स्पीड को फॉलो कर रहे हैं और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। तो उस केस में हमको सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालना है जब केस वन, जब रोड हो टू वे टू लेन रोड और इस तरीके से ये सारे केस। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जो गिवन पैरामीटर है हमारे पास वो है डिजाइन स्पीड वी। वी हमको दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, तो फॉर्मूला क्या है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है हमारा लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी इंटू टी आर, ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वी स्क्वायर बाय 2gF+−N%। ठीक है, एन जो होता है हमारा स्लोप होता है। अब इस क्वेश्चन में स्लोप दे नहीं रखा है तो हमारा एन होगा 0। अब देखिए, ये हम लोग वैसे बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। टी आर जो है हमारा रहता है रिएक्शन टाइम। ये क्या रहता है? रिएक्शन टाइम। किसका रिएक्शन टाइम? रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। ठीक है, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर जो कि हम लेते हैं 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, जो कि हम लेते हैं 2.5 सेकेंड्स। अब जो वी है, जो हमारा वी है, वी हमको दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। वी की वैल्यू क्या है? वी की वैल्यू है 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि इस केस में ये हो जाएगा 0.278 वी इंटू टी आर, है ना? तो इसके थ्रू हमने क्या किया, जो हमारी वेलोसिटी है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। उसी तरीके से जब इस फॉर्मूले में हम लोग इस किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं और जी की वैल्यू डालते हैं, तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाता है वी स्क्वायर बाय 254F+−N। एन इस केस में 0 है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 254F। ठीक, तो अगेन क्योंकि हमको रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर नहीं दिया हुआ है तो हम जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 2.5 सेकेंड्स वो लेंगे। हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो अगेन हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज 0.35, एक स्टैंडर्ड वैल्यू 0.35 वो हम एज्यूम कर लेंगे। तो हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू 0.37, एक स्टैंडर्ड वैल्यू 0.37 एज्यूम कर लेंगे। ये सारी वैल्यूज 2.5 और 3.0.37, ये दीज आर एज पर IRC रिकमेंडेशन। ठीक है ना, तो बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, सिंपल वैल्यू डालनी है 0.278, वी है हमारा 50, रिएक्शन टाइम है 2.5,
वी स्क्वायर की वैल्यू डालिए 50 स्क्वायर 254, एफ की वैल्यू डालिए 0.37। अब क्या करना है, सिंपल सॉल्व ही तो करना है, तो वैल्यू डाल के सॉल्व कीजिए, आपको साथ ही साथ सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, जस्ट चेक कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो जो टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो हमारा आएगा वो रहेगा 61.351 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारा आ गया 61.351 मीटर। ठीक, अब लेट अस डिस्कस डिफरेंट डिफरेंट केसेस। इसके बारे में हम लोग पहले लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जब हमारी जो रोड है वो टू टू वे टू लेन रोड रहती है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ओनली। तो इस केस में हमारा जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आया वो रहेगा 61.351 मीटर। इस केस में व्हेन वी हैव टू वे सिंगल लेन रोड, राइट, तो इस केस में जो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा वो रहेगा ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दैट इज 2 × 61.351, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा 122.8 मीटर। हेडलाइट साइड डिस्टेंस अलोंग द कर्व, हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो हमारा हेडलाइट साइड डिस्टेंस आ जाएगा 61.351 मीटर। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो अभी ये आ जाएगा 2 × 61.351, तो ये हो गया 122.8 मीटर। हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, वेरी इजी है ना, क्वेश्चन बहुत ईजी है, और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के क्वेश्चन हमेशा ही ईजी रहते हैं, जो सोर्स ऑफ एरर जो रहता है वो फॉर्मूले में ही रहता है, यहीं पे आप गलती करेंगे, है ना। आप स्कोप ऑफ एरर क्या है, पहली बात आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हमको वैल्यूज नहीं दी गई हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यू डिफ्रेक्शन टाइप की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या रहेगी, लॉन्गिट्यूड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या रहेगी। दूसरी सोर्स ऑफ एरर रहती है फॉर्मूलेज में, इसमें 0.278 वी इंटू टी आर मान लीजिए, और हम ये जो फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय 254 एफ प्लस माइनस एन परसेंटेज, इसमें वी हम किलोमीटर पर आवर में इनपुट कर रहे हैं, है ना। अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में है तो हमको ये एक्सप्रेशन यूज नहीं करना है। फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला जो है हमारा वी इंटू टी आर वी स्क्वायर बाय 2g एफ प्लस माइनस एन परसेंटेज, ये रहता है फॉर्मूला, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज टू कार्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, एज्यूमिंग अ ब्रेक एफिशिएंसी ऑफ 50% एंड एनी अदर सूटेबल डेटा इफ रिक्वायर्ड, वी हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम साइड डिस्टेंस टू अवॉइड हेड ऑन कोलिजन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिंगल लेन रोड पे दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, है ना, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, तो हमको क्या करना है, और दोनों गाड़ियों की जो ब्रेक एफिशिएंसी है, देखिए दोनों गाड़ियों की जो ब्रेक एफिशिएंसी है वो 50% है, यानी कि ब्रेक्स भी पूरे अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, जो ब्रेक एफिशिएंसी है वो 50% है। जो व्हीकल वन है उसकी वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर, व्हीकल टू की वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, और हमको क्या करना है, हमको स्टॉपिंग सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है क्या रहना चाहिए ताकि वो हेड ऑन कोलिजन को अवॉइड कर सकें। तो इस केस में क्या है, सबसे पहली चीज इस केस में क्या है कि वी हैव टू सी व्हाट इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर व्हीकल वन, व्हाट इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर व्हीकल टू, यानी कि पहली बात तो ये कि इस व्हीकल को सेफली स्टॉप होने के लिए कितना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चाहिए, उसी तरीके से ये व्हीकल टू को सेफली स्टॉप होने के लिए कितना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होना चाहिए, और जो टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा वो होगा समेशन ऑफ बोथ, पहली बात तो ये, ठीक। दूसरी बात जो इसमें रहती है, जो ट्रिक वाली बात है कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी, ब्रेकिंग एफिशिएंसी हमने को दे रखी है 50%,
जो हमारे पास ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो दे रखी है 50%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ दोबारा से 0.278 वी इंटू टोटल रिएक्शन टाइम, ये हो गया लैग डिस्टेंस, वी स्क्वायर बाय 254 एफ प्लस माइनस एन परसेंटेज, ये हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो इस केस में बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग एफिशिएंसी ऑफ 50%, 50% की ब्रेकिंग एफिशिएंसी से क्या चीज़ इफेक्ट होगी, क्या हमारी वेलोसिटी इफेक्ट होगी? नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक वीक है तब भी गाड़ी जिस स्पीड से चल रही है उस स्पीड से चलती रहती है, जो आपका रिएक्शन टाइम है ऑन सिचुएशन, बेस्ड अपॉन सिचुएशन, वो कभी आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। जो चीज़ यहाँ पे वेरी करेगी, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं है तो हम एन हटा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ वेरी ब्रेकिंग एफिशिएंसी का जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, ठीक है। यानी कि क्या होगा, बिकॉज ब्रेकिंग एफिशिएंसी 50% है तो फ्रिक्शन का जो रोल है वो भी 50% हो जाएगा, फ्रिक्शन भी उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो जो मेन चीज़ है जो क्रस्क है कि आपकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी की वजह से जो फ्रिक्शन है वो भी 50% एफिशिएंट रहेगा, जो हमारा फ्रिक्शन है वो भी 50% एफिशिएंट रहेगा, बस यही बात है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड दी हुई है ना और ब्रेकिंग एफिशिएंसी दी हुई है, यानी कि अगेन स्टैंडर्ड डेटास हमको एज्यूम करने हैं, ठीक है। तो अगेन वही बात, आपको स्टैंडर्ड डेटास क्या होते हैं वो पता होने चाहिए, ठीक। तो अगेन इसमें क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ 2.5 सेकेंड्स, और इसी के साथ जो लॉन्गिट्यूडल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 0.37 हम लोग एज्यूम करेंगे। दिस इज अगेन दिस स्टैंडर्ड वैल्यू, ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, दैट इज एज पर IRC इंडिया रोड कांग्रेस स्टैंडर्ड्स मैनुअल, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमारी जो कार की एफिशिएंसी है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी वो 50% है, तो जो हमारा अप्लाइड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट विल आल्सो बी 50% ऑफ द एज्यूम्ड वैल्यू, राइट। तो 50% ऑफ द एज्यूम्ड वैल्यू, तो जो कि आएगा 0.185, ओके। बस यही बात, यही ट्रिक बात थी, पहली ट्रिक थी कि जो ओवरऑल SSD है वो SSD 1 SSD 2 की रही, और दूसरी बात जो एफिशिएंसी है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, उसका इम्पैक्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक करके SSD 1 और SSD 2 निकालते हैं। तो पहले 80 किलोमीटर व्हीकल के निकालते हैं, राइट। सो फॉर व्हीकल 1, फॉर व्हीकल 1 जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, उसके लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारा रहेगा 0.278 इंटू वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर, यानी कि 80 स्क्वायर डिवाइड बाय 254, एफ हमारा रहेगा 0.185, राइट। क्योंकि कोई स्लोप नहीं दे रखा है तो एन इज इक्वल टू 0, तो हमने नहीं लिया है, ठीक। तो सॉल्विंग दिस, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सॉल्व दिस वैल्यूज, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए और देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, देखिए क्या मैं सही बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 55.60, और ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू आपकी आएगी 136.19, जिसको हम ले लेंगे 136.2, ठीक है, 136.2। तो टोटल हमारा आया, आई विल राइट इट इन अ वेरी प्रॉपर वे, 136.2, ठीक। तो हमारा टोटल जो वैल्यू आई वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट व्हीकल SSD 1 आई 191.79 मीटर, जिसको हम ले सकते हैं 192 मीटर, ठीक। ये हो गया व्हीकल 1 के लिए। अब हम सिमिलरली करते हैं, सिमिलरली हम लोग करते हैं SSD 2 फॉर वी इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर सेकेंड व्हीकल के लिए। तो अगेन 0.278 इंटू 60 इंटू 2.5 प्लस 60 स्क्वायर डिवाइड बाय 254,
वी की वैल्यू क्या है, सॉरी एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू होगी 0.185, 0.185, ठीक है। तो ये आएगा 41.7 प्लस 76.61 मीटर, ठीक है। एक बार चेक कीजिए मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो ये जो टोटल आएगा वो आएगा, जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 118.31 मीटर, 118.31 मीटर, ठीक। तो ये आपका आ गया SSD 2, ये आपका SSD 1। तो जो हमारा नेट SSD है, जो हमारा नेट SSD है वो होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 1 प्लस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 2, तो 192 प्लस 118.31 जो कि हमारा आ जाएगा 254.51 मीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर दिस सिनेरियो, ठीक। सिंपल राइट, क्वेश्चन डन, इजी क्वेश्चन राइट। यही है क्वेश्चन, बहुत सिंपल रहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर थ्री बोलता है अ कार इज मूविंग विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 2% एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अगेन हमको सुटेबल डेटा अज्यूम करने हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या रहेगा, इस केस में क्या रहेगा, हमको अगेन डेटा एज्यूम करना है। तो पहली बात हम एज्यूम करेंगे 3.5 कर सकते हैं एज्यूम, राइट। और टोटल रिएक्शन टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम हो गया 2.5 सेकेंड, राइट। टोटल रिएक्शन टाइम हमारा हो गया 2.5 सेकेंड्स, ठीक। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इस केस में क्या होगा, 0.278। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है 80। रिएक्शन टाइम क्या है, 2.5। वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर है 80 स्क्वायर बाय 254। एफ कितना है, 0.35। अब देखिए प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, अब बताइए, क्योंकि ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट है। डिसेंडिंग ग्रेडियंट मतलब व्हीकल नीचे जा रहा है, राइट। व्हीकल की डायरेक्शन ये है, तो हमने पिछली बार डिस्कस किया है, क्योंकि व्हीकल इज इन डिसेंडिंग ग्रेडियंट, व्हीकल नीचे जा रहा है, तो दिस स्लोप इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द स्टॉपिंग ऑफ द व्हीकल, है ना। तो इस केस में इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस, इनफैक्ट ये ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम कर रही है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। तो इसलिए इस केस में ये होगा -2%, ठीक है, -2%, जिसको हम एक तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.02, ठीक। अगर वही ये असेंडिंग ग्रेडियंट होता, वहीं ये असेंडिंग ग्रेडियंट होता तो यहाँ पे ये प्लस होता। हमने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आई होप ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 55.60 प्लस 76.354, राइट। सो जो वैल्यू आएगी 131.954 मीटर, जिसको हम ले सकते हैं 132 मीटर। सो इस केस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आएगा हमारा 132 मीटर, ओके डन। तो इन इन दिस केस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 132 मीटर, ऑलराइट। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज ये साथ ही साथ सॉल्व जरूर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कम से कम अपने हाथ से एक बार कैलकुलेटर चला के जरूर देखिए कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, है ना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, वीडियो के आपको सही लगी या कुछ सजेशंस हैं आप जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कुछ कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल पे और भी सिविल से रिलेटेड इंग्लिश में काफ़ी लेक्चर्स हैं, हिंदी में मैंने अभी भी स्टार्ट किया है, तो काफ़ी लेक्चर्स हैं इंग्लिश के, आप दे सकते हैं, है ना। तो बहुत सिंपल इंग्लिश है, ऐसे कोई टिपिकल हाई फाई इंग्लिश तो नहीं है, है ना। तो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। और भी कोई डाउट क्वेरी या कोई आपको चाहिए जिसपे मैं लेक्चर बनाऊँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।